तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजी क्लासेस में। तो आज का जो लेक्चर है ना, बहुत गजब का लेक्चर होने वाला है और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो, मैंने दो वीडियो पॉलिटी पे कवर किए हैं, संविधान पे, ठीक है। पर आज का जो लेक्चर होने वाला, एक्चुअली पॉलिटी यहाँ से शुरू होती है। जो मैंने पिछले दो लेक्चर में कवर किया वो था बेसिक, आपको पता होना चाहिए। और आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाने जा रहा हूँ मैं प्रस्तावना। मैं आपको लिख के दे दे रहा हूँ, लिख के, लिखित में करके दे दे रहा हूँ। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कोई नहीं पढ़ाता है, कोई भी नहीं पढ़ाता, और इतना डीप कोई नहीं पढ़ाएगा। आप चाहे 1000 रुपये का कोर्स खरीद लो और चाहे 3000 का कोर्स खरीद लो, ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। जिस लेवल का मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ ना, यदि कोई मेरे लेवल का पॉलिटी पढ़ा रहा है तो आके मुझसे चैलेंज दे दे कि नहीं सर, वो आपसे अच्छा पढ़ा रहे हैं। बस आप मेरे लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि मैंने मेरे जो नोट्स है ना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नोट्स है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है। किसी बुक के नोट्स नहीं है, ये बहुत सारी बुक के कॉम्बिनेशन का नोट्स है। तो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रस्तावना। प्रस्तावना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, जब हम संविधान पढ़ते हैं ना, तो संविधान हम क्यों पढ़ रहे हैं, रीजन क्या है, प्रस्तावना क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? आपको पता है प्रस्तावना में बहुत सारे केसेस बने हुए हैं, ठीक है। केशवानंद का केस था, ठीक है, ऐसे केसेस थे जो प्रस्तावना पे ही सीधे डेडिकेशन के साथ टिके हुए थे। तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मगर यदि आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पॉलिटी में किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रस्तावना मतलब क्या होता है? प्रस्तावना मतलब भूमिका, ठीक है। देखो, संविधान, जब संविधान बनाया जा रहा था ना, तो इसकी कोई ना कोई तो प्रस्तावना बनाई गई होगी, कोई ना कोई भूमिका तो हुई होगी, तो वही भूमिका कहलाई हमारी प्रस्तावना। अब प्रस्तावना ये आई कहाँ से? प्रस्तावना आई भैया, जो नेहरू जी ने जो रिपोर्ट दी थी ना, नेहरू रिपोर्ट जो उन्होंने दी, वही प्रस्तावना का लिया गया, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 में नेहरू रिपोर्ट जो डाली गई थी, उद्देश्य प्रस्ताव बोले, तो वही प्रस्तावना के तौर पर डाल दी गई, किसमें? संविधान, ठीक है, बात समझ में आई। और जिसे 1947 में संविधान का भाग मान लिया गया, 1947 में, ठीक, 22 जनवरी 1947 में इसे संविधान का भाग मान लिया, जो प्रस्तावना के तौर पे इसे देखा गया। अब प्रस्तावना इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे मेन चीज ये है। तो देखो, जब ये संविधान बनाया जा रहा था ना, तो प्रस्तावना ही एक ऐसी चीज है जिसमें चेंजमेंट, निगेटिव चेंजमेंट नहीं किया जा सकता। पहले तो इसमें चेंजमेंट किया ही नहीं जा सकता था, बाद में आया प्रस्तावना एक आधारभूत ढांचा है। आधारभूत ढांचा क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, किसी ने बताया होगा आधारभूत ढांचा होता क्या, ठीक है, तो मैं आगे उसको डिस्कस करूंगा, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो प्रस्तावना में जो प्रस्तावना, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया जा सकता। यदि चेंजमेंट हो भी रहा है, यानी अमेंडमेंट होगा भी, तो वो भी पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव, निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो, एक्चुअली जो संविधान है, संविधान किसके लिए बनाया गया? संविधान हमेशा जनता के लिए बनाया गया। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको बनाया था, तो इसका सेंटर पॉइंट हमेशा जनता को रखा था, ठीक है। किसको रखा था? हमेशा जनता को। यहाँ पर लोकतंत्र होता है, यहाँ पर गणतंत्र होता है, यहाँ पर राजतंत्र नहीं होता है। अभी मैं बताऊंगा लोकतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, समाजवादी, ये सब चीजें को हम लोग देखेंगे। तो प्रस्तावना जो आया है वो आया है नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव से, जो 1946 में आया था, और बाद में 1947 में उसको एड ऑन कर दिया गया था संविधान में, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद हम चलते हैं, जब प्रस्तावना एक्चुअली क्या होता है कि प्रस्तावना में चार पॉइंट रखे जाते हैं। पहली चीज, प्रस्तावना किस बेस पर रखी जाती है? तो वो भारत के जो नागरिक होते हैं ना, उनको न्याय देने के लिए, ठीक है, कि उनको न्याय मिले। दूसरी चीज, उनको स्वतंत्रता मिले। तीसरी चीज, उनको उनको बंधुता हो, ठीक है। बंधुता मतलब अपनी गरिमा, वो यानी वो नहीं होते ना जो, अरे मैं तो भूल भी जाता हूँ, बंधुता, बंधुआ, बंधुआ मजदूर से मत इसको कंपेयर करिए, बंधुता मतलब अपनी गरिमा, ठीक है। और चौथा पॉइंट इसमें दिया है समता। समता आप जानते हैं, समान अधिकार, ठीक है, विधि का समान अधिकार, समता, आर्टिकल 14 आपने पढ़ा होगा। तो नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता और समता, ये चारों चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए ही संविधान में प्रस्तावना को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। अब प्रस्तावना में कुछ शब्द बाद में जोड़े गए हैं, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976,
42वां संविधान संशोधन 1976 में तीन शब्द के द्वारा तीन शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में। पहला जोड़ा गया समाजवादी, दूसरा शब्द जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और तीसरा जोड़ा गया, देखो हिंदी बिंदी गलत लिख दूं तो भाई मत कहना, पर समझाने का पूरा तरीका उस पर मैं जोड़ दे रहा हूं, ठीक है, और चौथा तीसरा जोड़ा गया अखंडता। ये तीन शब्द जोड़े गए। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, और ये क्वेश्चन बना भी है, ठीक है, ये क्वेश्चन बना भी है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा पहले भाग में, ठीक है, पहले खंड में ये दोनों शब्द जोड़े गए, और छठे पैरा में ये, पहले पैरा में ये जोड़ा गया और छठे पैरे में ये जोड़ा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, कोई भी नहीं बताएगा। आप NTPC कवर करो चाहे UPSI कवर करो, कुछ भी कवर करो, यहां पर ये सब चीजें आपको याद करनी होंगी, इसमें कोई दोहरा नहीं। अब जैसे हम लोग कहते हैं हम भारत के लोग हैं, ठीक है, बड़े गर्व के साथ कहते हैं हम भारत के लोग हैं। एक्चुअली ये आया कहां, ये आया, ये जो शब्द है ना, ये आया था हम विश्व के लोग हैं, ठीक है, इसे संयुक्त राज्य संघ से लिया गया, संयुक्त राज्य संघ से लिया गया, जहां बोला गया हम विश्व के लोग हैं, और इसी तर्ज पर रखा गया हम भारत के लोग हैं, ठीक है, इस तर्ज पे ही इसको रखा गया, हम भारत के लोग हैं, ठीक है, ओके। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने पहले बताया जो संविधान है वो टोटली डिवोटेड है इस भारत की जनता को, किसको, इस भारत की जनता को। संविधान इस तरह डिजाइन किया गया है कि भारत की जनता ही इसका केंद्र बने। अब चाहे वो चुनाव को लेकर के हो जाए या फिर किसी डेमोक्रेसी में, किसी मिनिस्ट्री में, कुछ भी लगे, वो हमेशा जनता के भलाई के लिए ही सोचा जाएगा, इस तरह के संविधान को डिजाइन किया गया है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपने कहीं पढ़ी नहीं होंगी। यदि आपने कहीं नहीं पढ़ी और आपको लग रहा है मैं कुछ नया पढ़ा रहा हूँ तो शेयर कर देना, ठीक है, बाकी यार तुम्हारी इच्छा है ना, नहीं करोगे तो पाप लगेगा और क्या होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं धीरे धीरे कुछ वर्डों को यहां पर लिख रहा हूं, जैसे संप्रभुता, ठीक, संप्रभुता, दूसरा शब्द जैसे लिख रहा हूं मैं, एक तो संप्रभुता हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास समाजवाद, ये क्यों लिख रहा हूं मैं अभी बताऊंगा, तीसरा एक शब्द मैं जैसे ले लेता हूं, संप्रभुता हो गई, और इसके बाद पंथ निरपेक्ष हो गया, ठीक है, चौथा वर्ड एक ले लेता हूं धर्म निरपेक्ष, ये इन सब के एक मायने है, ठीक है, धर्म निरपेक्ष, ठीक है, पांचवा एक वर्ड ले रहा हूं जैसे लोकतंत्र। देखो ये सब चीजें तुमको पता होनी चाहिए, यदि ये तुमको नहीं पता होगा ना तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि क्या हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं। और एक वर्ड है गणतंत्र, ठीक है, सबकी डिफिनेशन, चाहो तुम इसको लिख लो और चाहो तो नहीं लिखो, कोई परेशानी नहीं। एक होता है राजतंत्र, ठीक है, और एक होता है न्याय। ये इतनी परिभाषाओं को हम यहाँ पर देखने वाले हैं जहाँ आपको कहीं नहीं पढ़ाया गया होगा, मैं एकदम श्योर कर रहा हूँ, कहीं पढ़ा ही नहीं जाता, ठीक है, इतना टीचरों को नहीं आता यार, ठीक है, जिस हिसाब से हमने GS पढ़ी हुई है ना, बहुत हाई लेवल है, यदि सारा पढ़ाएंगे ना तो नोट्स में इतना सब कुछ है ना कि आप हजम नहीं कर पाओगे, पर जो मेन है वो निकाल निकाल के मैं आपको बताऊं। अब देखो संप्रभुता क्या होता है, संप्रभुता मतलब होता है कि एक संस्था या फिर कोई व्यक्ति जो पूरी तरह से क्या हो, आजाद हो, उसके ऊपर ना बाहरी और ना ही आंतरिक किसी तरह का कोई प्रभाव यानी कोई बल ना लगता हो, वो संप्रभुत कहलाता है। मैंने क्या परिभाषा लिखी है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, कि ऐसा संस्था या निकाय जो आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र हो उसे हम संप्रभुता कहते हैं, ठीक है। तो संप्रभुता क्या होती है, ऐसी निकाय जो अंदर और बाहर पूरी तरह से क्या फ्री हो। इसके बाद बात करते हैं समाजवाद। अब देखो समाजवाद की अलग कहानी, समाजवाद सबका समाजवाद अलग होता है, ठीक है। अब समाजवाद का मतलब क्या था, समाजवाद की यदि हम परिभाषा निकालेंगे तो समाजवाद का मतलब होता है जो समाज को लेकर के, यानी जिस जहां समाज यानी व्यक्ति से ज्यादा समाज को वरीयता दी जाए, वो होता है समाजवाद, ठीक है। बहुत ध्यान समझना, बहुत मोटी मोटी बहुत
बड़ी बातों को बहुत संक्षिप्त में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। समाजवाद का मतलब होता है जहां समाज को ज्यादा वरीयता दी जाए और व्यक्ति को कम, वो समाजवाद होता है। एक होता है पूंजीवाद, ठीक है, एक होता है पूंजीवाद जहां व्यक्ति को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, ठीक है, और समाज को कम दी जाती है, जैसे हमारा यूएस हो गया। तो ये क्या होता है, एक पूंजीवाद के ढांचे पर अड़ा हुआ है, ठीक है। देखो केटी शाह ने बोला कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद होना चाहिए, ठीक है, केटी शाह ने कहा कि समाजवाद हमारी प्रस्तावना में होना चाहिए, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं समाजवाद का बहुत बड़ा पक्षधार हूँ, ठीक है, समाजवाद का मैं बहुत बड़ा पक्षधार हूँ, पर अभी हमारा देश समाजवाद को ग्रहण नहीं कर पाएगा, भविष्य में हम कभी इसको समाजवाद को इंक्लूड करेंगे। और आपने देखा 1966 में इसको एड ऑन कर भी दिया गया था, ठीक है। तो इसको क्यों मना किया गया था, कि जाहिर सी बात है उस समय यदि हम समाज को ज्यादा वरीयता दी जाती दे देते तो हमारा देश क्या था 1947 में आजाद हुआ था और वो उस तरह से डेवलप ना कर पाता यदि हम समाज को ज्यादा वैल्यू दे देते, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के लोग थे, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां, जाति और धर्म। और अभी आपने यदि पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि यानी राज्य के बंटवारे को लेकर बहुत बवाल चला था, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी समितियां बनी थी उसमें, ठीक है, उन सब चीज़ों को मैं समझाने वाला हूँ, कुछ भी छूटेगा नहीं, कि एक भी क्वेश्चन आपका ऊपर नीचे कहीं ना होने पाए, ठीक है। फिर इसके बाद तो समाजवाद इसलिए वहां पर एड ऑन किया गया था, ठीक है, और वहां पर तुरंत नहीं 1947 में नहीं, बाद में 1976 में इसको जोड़ा गया था समाजवाद। तो समाजवाद फिर इसी तर्ज पे हमारी जो बाद में जो योजना यानी हमने उसको आजमाया वो क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारी बनी, ठीक है। तो हमने समाजवाद और पूंजीवाद दोनों को मिक्स करके एक नई तरह की अर्थव्यवस्था बनाई जिसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें समाज और व्यक्ति दोनों को बराबर वरीयता दी जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं पंथ निरपेक्ष। तो भैया पंथ निरपेक्ष का परिभाषा यदि बोलेंगे तो पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य कोई भी धर्म डिसाइड नहीं करेगा, यानी राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, बहुत ध्यान सुनना, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, इसलिए इसको दिमाग में रखिएगा, इसका मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। फिर इसके बाद होता है धर्म निरपेक्ष। तो धर्म निरपेक्ष का मतलब जब पंथ निरपेक्ष राज्य का कोई धर्म नहीं होगा तो पंथ निरपेक्ष देश का भी कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है, यानी देश में किसी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो नहीं किया जाएगा, सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाएगा, जैसे इंडिया हो गया, यूएस हो गया, ठीक है, पर पाकिस्तान क्या होता है ऐसा नहीं है, चाइना क्या है ऐसा नहीं है, ओके, तो धर्म निरपेक्ष हो गया। फिर इसके बाद बात करते हैं लोकतंत्र की। तो भैया लोकतंत्र की बात करते हैं, जब लोकतंत्र की हम लोग बात करते हैं तो लोकतंत्र वो होता है ये शासन की बात करता है, जहां पर शासन की बात आएगी वहां लोकतंत्र का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अब्राहम लिंकन ने बहुत अच्छा लिखा है कि लोकतंत्र हमेशा जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है, ठीक है, जनता द्वारा जनता के लिए होता है, ठीक है, तो ये अब्राहम लिंकन का है। तो लोकतंत्र क्या होगा, वो शासन के बात करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं गणतंत्र। तो गणतंत्र मतलब होता है शासक, गणतंत्र जो है वो शासक की बात करता है, और यहाँ पर जो शासक होगा ना वो निश्चित नहीं होगा, ठीक है, गणतंत्र शासक की बात करता है पर वो शासक निश्चित नहीं होगा, रीजन साफ है कि वो पुस्तैनी चीजों को फॉलोअप नहीं करेगा, ठीक है। मैंने अपनी परिभाषा लिखा है जहां राष्ट्र अध्यक्ष वंश अनुगत ना होकर के जनता द्वारा यानी जनता के द्वारा चुनकर आता है तो वो हमारा कहलाता है गणतंत्र। अब एक आता है राजतंत्र। तो राजतंत्र वहां है जहां प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके आता है और वहां पर एक ही शासन यानी क्या बोलते हैं राजतंत्र, वहां पर राजाओं का राज चलता है, जैसे इंग्लैंड हो गया, अभी वहां पर राजतंत्र चलता है कुछ मात्रा में, सारी मात्रा में। तो राजतंत्र की यदि परिभाषा देखेंगे, जहां देश का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर नहीं आता है वो कहलाता है राजतंत्र, ठीक है। फिर इसके बाद एकदम लास्ट में आते हैं न्याय। तो न्याय जो है एक्चुअली वो रूस से लिया गया है और किसी और न्याय को इस तरह यानी रखा गया है हमारे यहाँ कि न्याय देने में किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसी में आप देखें पुलिस स्टेशन चौकियों के जो बनाई जाती है वो इसीलिए बनाई जाती है कि न्याय सभी को मिले और बराबर तरीके से मिले और किसी से भेदभाव ना किया गया। तो न्याय कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। तो मुझे उम्मीद है इतनी चीज़ें जो मैंने प्रस्तावना के बारे में आपको बताएं वो एकदम बेसिक तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। यदि किसी ऑप्शन में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष आपसे परिभाषा पूछ लिया
तो आप फंस जाएंगे वहां पे, ठीक है। इसलिए मेरी मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कुछ भी पढ़ाऊँ वो पूरी तरह से साफ, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई ब्लफ नहीं होना चाहिए। तो इसमें कोई ब्लफ नहीं है, आप एकदम आराम से समझिए, सारी चीज़ों को देखिए, हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी को हम लोग थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी समितियाँ देखेंगे, एक दो केसेस देखेंगे जो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही केस आने वाले हैं पेपर में, ठीक है। ये तो मैंने शुरुआत की, ठीक है। तो वीडियो को पसंद आए तो शेयर करना मत भूलना, ठीक है। फैमिली हमारी बढ़ रही है, बहुत लोग हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी। तो मेहनत यदि पसंद आ रही तो लाइक करके मत जाना और शेयर कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।